नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल, कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो डैशबोर्ड पढ़ रहे थे और हमारे साथ प्रसून जी है ऑनलाइन जूम पे। प्रसून जी, तो हम बात कर सर रहे हैं अपने एनर्जी डैशबोर्ड की। जैसे कि हमने लास्ट दो पार्ट के वीडियोज में आपको दिखाया था कि हमने इस तरह का एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है, उसमें हम इसको एक पूरी फॉर्मेट तैयार कर चुके हैं। अगर आप देखें मेरे ओरिजिनल फाइल को, तो हम फॉर्मेट तैयार कर चुके हैं, राइट। और इसमें हमने चेंज इन कॉस्ट को भी तैयार कर दिया है। इसमें हमारे पास प्रीवियस और होता है, जैसे मैंने मान लीजिए कि ईयर सेलेक्ट किया तो ईयरली रिपोर्ट होता है, और अगर मैं मंथली सेलेक्ट करूँ तो मेरा मंथली रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। और आज करो तो आज का रिपोर्ट होता है। जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट करके चार्ट बनाया था इंसर्ट, बट चार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। अच्छा, ये नहीं लेता हूँ, सिर्फ ये लेता हूँ। यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि एक एक ही टेबल दिख रहा है ना, इसको दूर करता हूँ, वही भी एक ही दिख रहा है। तो इसका उपाय मेरे पास है, अब सही है। अब मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में आता हूँ, मंथ सेलेक्ट करता हूँ, मंथ तो है, डेट सेलेक्ट करता हूँ, तो डेट आ गई। और हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करते हैं, ईयर हो गया, ये रिपोर्ट सही है। अब इसको यहाँ से अब ये चीज इसको हटा देता हूँ, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और पीसी की लाइनिंग को डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ और चार्ट टाइटल को भी डिलीट करता हूँ। और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है ना, फॉर्मेट यहाँ पे, इस पे राइट क्लिक, यहाँ पे फॉर्मेट जो चार्ट एरिया है, फॉर्मेट चार्ट एरिया को मैं फिल में नो फिल एंड बॉर्डर में नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, कट करता हूँ, कॉपी नहीं, कट करता हूँ, डैशबोर्ड पे पेस्ट करता हूँ। बट इसकी जो इसमें जो सॉलिड कलर है, इस कलर को चेंज करता हूँ मैं, इस कलर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यह साइड से उठा के इसको ड्रॉ कर दिए तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और इसकी व्हाइट, इसकी कलर को मैं व्हाइट नहीं, पूरे चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ ना। व्हाइट कर देता हूँ, सही रहेगा। और इसकी कलर हल्का सा चेंज कर देता हूँ फिल्म में, डबल क्लिक करना होता है, सिंगल क्लिक में। अब यहाँ ये तो सब ठीक है, अब जो भी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से चेंज हो गया।
इसमें लगाना पड़ेगा इस चीज प्रॉब्लम इसको आगे करते हैं। फिलहाल मेरा ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक यहाँ पे ये था कि ये जो हमारा परसेंटेज है ना सर, ये परसेंटेज जो है इस पे हमें थोड़ा सा करना था, क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो ये अप और डाउन का सिंबल दिख रहा है ना, अप हो तो अप डाउन डाउन और इंक्रीज हो तो इंक्रीज और डिक्रीज हो तो डिक्रीज आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज को निकाल लिया अपना, राइट। अब मुझे उस सिंबल लगाना है, तो अगर आप इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ सिंबल में ये आपके पास सिंबल होता है, तो इसमें मैं यहाँ पे सैंपल देखना होगा, सैंपल होता है ऊपर ही मिल जाता है, अभी भी नहीं मिला। ठीक है जी सर, अब इसी में हम इसको कॉपी करते हैं, जो कॉपी करते हैं इसमें कंडीशन देते हैं, अगर ए ग्रेटर देन जीरो हुआ तो हम इन्वर्टेड कोमा में इसको शो करेंगे, ठीक है, अदरवाइज इसको शो करेंगे। लेकिन इसमें तो परसेंटेज आएगा नहीं, आप देखेंगे तो परसेंटेज तो आएगा नहीं इसमें, तो ब्राइट करना होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ इसका परसेंटेज भी आना चाहिए ना, इसको हम कॉपी करते हैं और इसके यहाँ पे इसके साथ कॉन्कैटेनेट कर देते हैं, बस स्पेस देते हैं यहाँ स्पेस, और यहाँ भी हम स्पेस देते हैं और इसके साथ हम कॉन्कैटेनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गई है क्योंकि परसेंटेज का जो फॉर्मेट है वो काफी ज्यादा हो गया है, दिख रहा है सर आपको, क्योंकि कॉन्कैटेनेट लगने के बाद परसेंटेज फॉर्मेट में नहीं होगा, तो उस केस में हम यहाँ पे टेक्स्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला बताया था ना आपको सर मैंने, और कॉमा यहाँ पे 0.00% और फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करना और सेम चीज हम यहाँ भी लगाएंगे नीचे अगले में, ये आपका आता है ना टेक्स्ट
text and comma 0.00%. ये तो ठीक है, ये यहाँ पे जो पूरा कॉपी कर लेता हूँ ना। तो ब्राइट के क्या रंगत है? ठीक है सर, प्लस में होगा। अब यहां पे भी सेम ऐसे ही करना है। अब यहां पे फॉर्मूला हम यहां पे लेफ्ट लगाते हैं, लेफ्ट कंडीशन के साथ, क्योंकि यहां पे इंक्रीज एंड डिक्रीज देना है। इफ लेफ्ट, लेफ्ट में हम इसको सिलेक्ट किया और बोला कि एक कैरेक्टर अलग करें। अगर इक्वल टू है ए तो इंक्रीज, अदरवाइज डिक्रीज। सुनाया था आपको नहीं सर? हेलो सर, कुछ समझ में आया नहीं? सर एक्चुअली मेरा तो फॉर्मूला का क्लास स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना सर, तो मेरे लिए तो ऑलमोस्ट बाउंसिंग है, पर मैं इसको देख रहा हूँ एक बार। नहीं, इफ फॉर्मूला और टेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ाया तो था आपको मैंने? नहीं 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 सर, अभी तो हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना सर। इफ फॉर्मूला काम आ रहा, तो पहला क्लास स्टार्ट हुआ था जो मंडे को, जो चार चार अलग अलग फॉर्मूला को हम लोगों ने जोड़ा था, और कुछ नहीं हुआ है सर हम लोग, ना इफ हुआ है ना टेक्स्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है सर स्टार्ट। मुझे लगा कि आपका ये हो चुका है, इसलिए मैं आपको पढ़ा। नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं हुआ है सर। हेलो, ईशा जी आपकी बात सर। ओके ओके ठीक है। ठीक है, तो मैं आपकी फॉर्मूला कर देंगे। ठीक है।